ये 4 साल पूर्व की घटना है। 4/18 को जगदीश पुत्र तिलुआराम कोली, ये बाड़ी के रहने वाले हैं, इन्होंने एक तहरीर रिपोर्ट थाना बसेड़ी पर दर्ज कराई थी कि मेरी पुत्री रिंकी और रिंकी के बेटा था सुभांशु जिसकी उम्र 9 महीने थी और एक बेटी थी सामान्या जिसकी उम्र थी 3 वर्ष। इन तीनों को 20-25 आदमियों ने काट डाला, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ बसेड़ी थाने पर पुलिस ने। और इसके अलावा मेरे दामाद को यानी कि मृतका के पति को भी काट डाला, लेकिन वो पूरा नहीं कटा था। इस पर क्या तफ्तीश हुई, तफ्तीश में पुलिस ने जब जांच की तो इन तीन हत्याओं का अपराधी उसके दामाद को दशरथ को पाया। इस पर न्यायालय में पुलिस ने चालान पेश किया, तफ्तीश हुई, 4 वर्ष लग गए तफ्तीश होते हुए। इसमें 26 गवाह पेश हुए, 53 दस्तावेज पेश हुए। इन सभी गवाहान दस्तावेजों से मुलजिम दशरथ के खिलाफ 302 का अपराध सिद्ध पाया, जिस पर आज अपर जिला सेशन न्यायाधीश माननीय नीरज कुमार जी ने मुलजिम दशरथ को आजीवन कारावास को 20,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया है। अदम अदायगी 1 वर्ष की सज़ा अतिरिक्त होगी।